नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पीपीएफ अकाउंट एक बहुत ही मेजर इंस्ट्रूमेंट है आजकल के इन्वेस्टमेंट में, और माइनर के लिए आप जो पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसके बेसिक फीचर्स के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा हम बात कर रहे हैं पीपीएफ की, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका रिटर्न इक्विटी या म्यूचुअल फंड के इक्विवेलेंट नहीं होने के बावजूद भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। इसके कई सारे रीजंस हैं। उन रीजंस में मेनली रीजंस हैं कि इसमें जो है रिस्क एब्सेंट रहता है, मतलब कि आप जो भी चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस्ड इंटरेस्ट रहता है, तो रिस्क काफ़ी कम है। साथ ही साथ जनरली अबव एवरेज इसमें रिटर्न मिलता है, और साथ ही साथ ATC के टैक्स बेनिफिट भी आपको इसमें मिल जाते हैं। इस वजह से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट अभी भी बना हुआ है। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि पीपीएफ अकाउंट आप एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जॉइंट नेम में भी आप पीपीएफ अकाउंट को ओपन नहीं किया जा सकता है। तो अगर ऐसी बात करूँ मैं, तो क्या आप अपने माइनर के लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो डेफिनेटली ओपन कर सकते हैं। एज ए गार्जियन आप माइनर के लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, या अगर आपके पेरेंट, अगर किसी बच्चे के पेरेंट नहीं है तो गार्जियन जो है वो उनके लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन ये पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है माइनर चाइल्ड के लिए। जैसा मैंने बताया, या तो फादर या मदर, दोनों में से कोई एक पर्सन अपने बच्चे के लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। और अगर फादर मदर नहीं है, पेरेंट्स नहीं है उनके, तो फिर उस केस में एनी अदर गार्जियन, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स या अंकल आंट, ये जो हैं उसके लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ध्यान रहे, जैसा नॉर्मल पीपीएफ अकाउंट आप ओपन करते हैं उसी तरह माइनर के लिए भी अगर आपको पीपीएफ अकाउंट ओपन करना है तो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके या जो डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस हैं उनमें जाके आपको पीपीएफ ओपन करना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं कि पीपीएफ में आप माइनर चाइल्ड के लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। तो जैसा पीपीएफ का रूल है उसके अकॉर्डिंग एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक आप माइनर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके पीपीएफ अकाउंट में। लेकिन ध्यान रहे, जो 1.5 लाख की लिमिट है ये पीपीएफ के अकॉर्डिंग फॉर एन इंडिविजुअल है, एक पर्सन के लिए है, नॉट फॉर पर अकाउंट। मतलब कि अगर उसके दो अकाउंट है, एक खुद का और एक माइनर का, तो दोनों को मिला के उसकी 1.5 लाख लिमिट है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आपने दो अकाउंट ओपन कर रखे, एक अपना और एक अपने बच्चे का, तो आपको टोटल मिला के 1.5 लाख रुपये तक का इन्वेस्ट करना है। अगर आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वह तो या तो होगा ही नहीं, और अगर होगा तो उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जैसा मैं बता रहा था, अगर आप ये जानना चाहते कि क्या मैं दो पीपीएफ अकाउंट ओपन कर लूँ और किसी को पता नहीं लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी आप कोई पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द पीपीएफ आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपके पास कितने अकाउंट हैं, कितने पीपीएफ अकाउंट हैं, उनकी डिटेल्स देनी पड़ती हैं कि आपने अपने नाम पे कितने हैं और आपके बच्चों के नाम के कितने पीपीएफ अकाउंट आपने ले रखे हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पर्सन फिर भी अगर किसी तरह से सेकंड पीपीएफ अकाउंट ओपन कर लेता है, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर किसी ने गलती से उसको ओपन कर लिया है, तो उस पर उसको जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कोई भी इंटरेस्ट उस पर नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ अगर ऐसा पता चल गया कि उसने दो अकाउंट ओपन कर रखे हैं, और अगर पर्सन इग्नोरेंट है तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने ये बाय मिस्टेक किया है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो अपील कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कि उसके जो दो पीपीएफ अकाउंट है उसको मर्ज कर दिया जाए और एक ही पीपीएफ अकाउंट बना दिया जाए। अब कई बार ऐसा होता है, लोग दो पीपीएफ अकाउंट तो ओपन नहीं करते, लेकिन एक ही पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट करने जाएंगे, डिपॉजिट करने जाएंगे, तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र वो रिजेक्ट हो जाएगा, पीपीएफ में वो लेगा ही नहीं। फिर भी अगर किसी पर्सन ने किसी तरह से उसको मैनेज कर लिया और 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर लिया है, तो क्या कंडीशन है? गवर्नमेंट जब ये पता लगाती है और उसको पता चलता है कि 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जो भी अमाउंट आपने उसमें इन्वेस्ट किया है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। हालांकि अभी तक किसी तरह की पेनल्टी नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो आपको ध्यान रहे, ये पेनल्टी में भी हो सकता है इन फ्यूचर में वो लगा भी दें, तो इससे बचने के लिए आपको ये दो चीज़ें नहीं करनी है। एक तो एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करना है सेल्फ के लिए, साथ ही साथ 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, इंक्लूडिंग ऑल द पीपीएफ अकाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर।
इसके साथ ही मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आपके जितने भी पीपीएफ अकाउंट हैं उसमें आपको 500 रुपये हर फाइनेंशियल ईयर में जमा करने हैं। मतलब अगर आपने अपना और अपने दो बच्चों के पीपीएफ अकाउंट ओपन कर रखे हैं तो तीनों में मिनिमम 500 रुपीज़ एक फाइनेंशियल ईयर में आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि माइनर के केसेस में क्या पार्शियल विड्रॉल के रूल हैं। तो पार्शियल विड्रॉल जैसा नॉर्मल सेल्फ पीपीएफ अकाउंट में, उसी तरह से माइनर के केसेस में भी अगर आपका कोई पीपीएफ अकाउंट है और उसमें से पैसा निकालना चाहते हैं तो 6 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा गार्जियन को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये जो मनी आप निकाल रहे हैं वो माइनर के लिए ही यूज़ होगी, खुद के लिए किसी चीज़ के लिए आप यूज़ नहीं करेंगे, माइनर को किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है उसके लिए ही आप निकाल रहे हैं। साथ ही साथ जो मैक्सिमम विड्रॉल आप कर सकते हैं वो अकाउंट ओपनिंग होने के 4 साल के बाद में जितना पैसा है उसका 50% तक ही आप पैसा निकाल सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर्स। तो ये कुछ कंडीशंस है पार्शियल विड्रॉल की। अब हम देख लेते हैं माइनर अकाउंट में से प्री मिच्योर अगर क्लोजर करना चाहते हैं आप अकाउंट की तो क्या कंडीशंस है। तो जैसा पिछले केसेस में था वैसे ही इसमें प्री मिच्योर क्लोजर में 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही अलाउ है, जैसा नॉर्मल पीपीएफ अकाउंट में होता है उसी तरह इसमें भी आपको 5 साल कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप इसको क्लोज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऐसा प्री मेच्योरली इसको क्लोज करते हैं तो जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे 1% कम इंटरेस्ट रिसीव होता है इस पीपीएफ अकाउंट ऑफ माइनर में। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही प्री मेच्योर क्लोजर कर सकते हैं माइनर के अकाउंट को। वो कंडीशन क्या क्या है कि अगर कोई सीरियस कोई बीमारी हो गई है या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है अकाउंट होल्डर की हो या बच्चे की हो माइनर की या आपके वाइफ की हो किसी की हो पेरेंट्स की हो, तो उस केसेस में आप मेडिकल बिल जो है सबमिट करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ फिर आप प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। इसके अलावा अपने या माइनर के अगर कोई हायर एजुकेशन हैं तो उसके लिए भी एडमिशन के प्रूफ दिखा के आप प्रीमेच्योरली अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। फिर क्या पीपीएफ अकाउंट जो माइनर के लिए उनमें से लोन निकाल सकते हैं, जैसा नॉर्मल पीपीएफ में से आप लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं सिमिलरली माइनर में से भी आप लोन की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, लेकिन गार्जियन को इसमें डिक्लेरेशन देना होता है कि जो भी आप पैसा निकालेंगे वो आप माइनर के वेलफेयर के लिए ही यूज़ करेंगे किसी और चीज़ के लिए नहीं। अब क्या कंडीशंस हैं, जो आप लोन की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं वो 3रे फाइनेंशियल ईयर से लेके 6ठे फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही अवेल कर सकते हैं, मतलब कि आपका अकाउंट ओपन होने के 3 साल हो जाने चाहिए उसके बाद ही आप इसको ओपन कर सकते हैं अप टू 6th ईयर। साथ ही साथ मैक्सिमम जो है लोन मिलेगा वो 2nd फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद में जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है जितना अमाउंट है उसका 25% तक का ही लोन आपको मिलता है। अब अगर आपको लोन मिलता है तो ये 1% जो इंटरेस्ट है पीपीएफ का उससे अबव इंटरेस्ट पे आपको दिया जाता है, उतने इंटरेस्ट पर आपको लोन दिया जाता है और आपको इसको 3 साल में चुकाना होता है। ये कंडीशन है, अगर आप 3 साल में नहीं चुकाते तो 6% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपने माइनर के लिए कोई पीपीएफ अकाउंट ओपन कर रखा है और अगर वो पर्सन मेजर हो जाता है बाद में 18 साल से ऊपर का हो जाता है तो क्या कंडीशन है। अगर पीपीएफ अकाउंट जब मेच्योर होता है, मतलब 15 साल की जो मेच्योरिटी होती है पीपीएफ की, अगर उसके बाद में आपके चाइल्ड ने 18 साल की एज कंप्लीट नहीं की है, मतलब वो अभी भी माइनर है, तो उस केस में क्या कंडीशन है और अगर 18 साल उसने पूरे कर लिए हैं तो क्या कंडीशन है। तो अगर 18 साल से कम है तो गार्जियन जो है उसी के पास ये अथॉरिटी रहती है कि वो आइदर पीपीएफ को एक्सटेंड कर ले या उसमें जो अमाउंट है उसको विड्रॉ कर ले। तो सारी की सारी जो भी इनकम या विड्रॉल है वो मनी जो है वो गार्जियन की इनकम कंसिडर की जाती है। लेकिन अगर पीपीएफ अकाउंट जब मेच्योर हुआ है तब आपका चाइल्ड 18 साल से ऊपर हो चुका है तो उस केस में सारे डिसीजन जो है वो चाइल्ड ले सकता है क्योंकि अब वो मेजर हो चुका है। तो इसके लिए आपको जब भी आपका बच्चा 18 साल का होता है तो एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, इंटीमेट करना पड़ता है कि अब वो मेजर हो चुका है। तो इसके बाद में गार्जियन का कोई रोल नहीं रहता है और सारी की सारी चीज़ें जो हैं इंडिपेंडेंटली वो पर्सन जो पहले आपका बच्चा था वो मेजर हो चुका है तो वही सारे डिसीजन लेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी पीपीएफ अकाउंट अगर आप माइनर के लिए ओपन करते हैं तो। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल नूतन स्टडीज़। थैंक यू।